लेते हैं 7 नंबर, क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो यू इक्वल टू में ले लेते हैं यहाँ पर, लेट यू इक्वल टू में साइन इन वर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड भी इक्वल टू ये दिस है सेक इन वर्स 1 बाई में रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, पलट गया। अब इसके बाद देखिए, हमारे पास पहला कंडीशन दिया है कि एक्स बिलोंग कर रहा है 0 to 1 बाई रूट 2। तो 0 to 1 बाई रूट 2 के लिए अगर इसको देखा जाए तो ये ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा किसका, देखो ये फॉर्मूला होता है ना साइन 2 sin inverse एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin inverse एक्स के लिए, ठीक है। अच्छा, और भी इक्वल टू में यहाँ पे देखिए 0 to π 1 बाई रूट 2 के लिए, 0 to 1 बाई रूट 2 के लिए ये भी आपको पॉजिटिव है, यहाँ यही आ जाएगा आपका कॉस है तो यहाँ आ जाएगा साइन, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ को, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा du/dx इक्वल टू में 2 बाई में रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ db/dx इक्वल टू में 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें इसे डिवाइड कर देते हैं, चलिए देखते हैं, लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो आ जाएगा यहाँ पे du/dx/ db/dx इक्वल टू में 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और बाई में यहाँ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो du/dv इक्वल टू में आ जाएगा 2, समझे ना। अच्छा, सेकेंड कंडीशन में क्या है, तो केस सेकेंड वाले में था कि एक्स बिलोंग कर रहा है 1 बाई रूट 2 to 1, ये ना दिया हुआ, देख लेते हैं 1 बाई रूट 2 to 1। तो 1 बाई रूट 2 to 1 के लिए यहाँ पे देखिए, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं u इक्वल टू में आ जाएगा आपका 2 sin inverse x, एंड v इक्वल टू में माइनस का sin inverse x। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर du/dx इक्वल टू में आ जाएगा 2 बाई में कर देते हैं सीधे, 2 बाई में रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, एंड dv/dx इक्वल टू में -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें डिवाइड कर देते हैं, लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा du/dx/ dv/dx इक्वल टू में 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और बाई में -1 बाई में √√1 का एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, dx से dx कट जाएगा। तो यहाँ पे du/dv हो जाएगा माइनस का 2, 2 बाई -1 इज माइनस।